बहादुरपुरा मंडल पर है। यहाँ पर आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, हम आपको हमारे जो है वीडियोज़ में आगे बताएंगे। दो दिन पहले जो है माइनॉरिटी चेयरमैन इसाक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बताए थे कि इनकम सर्टिफिकेट जो है एक हफ्ते में आप जो ऑनलाइन साइट रखे एक हफ्ते में फुलफिल नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो है अपनी हठधर्मी कर रहे हैं और उन्होंने जो है सिर्फ 50 करोड़ सैंक्शन करे, जबकि हमारा माइनॉरिटी बजट 2000 करोड़ है, जो 2020 और 21 से हमारा जो है बजट नहीं दिए, ये 22 का है, उसमें भी उन्होंने ये बता रहे हैं कि 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ को इनके घर से या इनके जेब से नहीं दे रहे उन्होंने। ये देख सकते हैं आप हमारे साथ जो है कितने लोग आए हुए, आप बताइए कहीं के लिए आए हुए हैं, क्या करते हैं आप लोग बताइए। ये देख सकते हैं ये बच्चे जो है इनको कोई जॉब नहीं है, इन्होंने चप्पल की दुकान में काम करते हैं। आप ये सऊदी रिटर्न है, आप सऊदी रिटर्न है, आप कहीं के लिए आए भाई? लोन के लिए आए, बताइए, क्योंकि आज हम जो बता रहे हैं जो लोग परेशान है, हमारा 2000 करोड़ मिला आपको इनकम सर्टिफिकेट मिला? अभी इसका टोटल ड्यूरेशन जो मेंशन करे कल रात से जो है लॉन्च हुआ बोल के बोल रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट के 500 रुपये है खाली, इनकम सर्टिफिकेट 10-12 दिन में बन के आता, 10-12 दिन के बाद बन के आता, फिर उसके बाद जो है सो आपको पीरियड टाइम देते हैं ऑनलाइन की फाइल रेडी करना, लगे बैंक पासबुक और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो लेके फिर सबमिट करना। फिर अब इसकी लास्ट डेट क्या थी बोले तो 5 तारीख को खत्म है इसकी, जो है 8-10 दिन बोल के बोले 1 वीक की नहीं बोले, गारंटी भी लेने को बोल के बोले रेजिक्यू सकता बोले। तो हम देखिए आप ये हम आवाम से जो हमारे सवाल आते हैं, हम जो इसक साहब से हमारे सवाल आते हैं कि आप जो है कम से कम मिनिमम 500 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बजट है 2000 करोड़ का। KCR साहब आने के बाद में ये बताए थे कि मैं आने के बाद में जो चाहे दूंगा, लेकिन जैसा दलित बंधु स्कीम को दे रहे हैं 10-10 लाख रुपए, हमारे माइनॉरिटीज के क्यों नहीं दे रहे हैं? चाहे स्कॉलरशिप होने दीजिए, चाहे लोन्स होने दीजिए, चाहे शादी मुबारक होने दीजिए, हमारे लेडीज, हमारे भैना, हमारी औरतें, हमारे पूरे मंडलों पर फिर रहे खाली, एक एक साल से जो है हमारे लोगों के, देख सकते हैं आप हमारे पीछे लेडीज, हमारे भैना आए हुए हैं, बोलिए क्या प्रॉब्लम है कहीं के लिए आपको जी? ये देखिए आप, एक है हमारे लेडीज जिसका राशन कार्ड नहीं बनता है, लेकिन ये हमारे लेडीज है, जिस वक्त वोट डालना पड़ता है तो ये हमारे लेडीज वोट डालकर हमारे नुमाइंदे को लाते हैं, तो हमारे नुमाइंदे आज यहाँ अवेलेबल रहना चाहिए, रह के जो है ये सारे प्रोसेसिंग उन्होंने करके देना चाहिए। जिस तरीके से इलेक्शन में जो है ऑफिसर्स डालते हैं, कारपेंटर का इलेक्शन होता 25 ऑफिस डालते, MLA का इलेक्शन होता 200 ऑफिस रखते, स्टेजेस डालते, पूरे जलसे करते, लेकिन आज ये हमारे बहना ही वोट डाल के आए, आज हमारे बहना जो है हमारे बहनों राशन कार्ड नहीं, इनकम सर्टिफिकेट बना फिर आपका जी माइनॉरिटी लोन के लिए हम अप्लाई करें, अब सबमिट करें, सबमिट करने के लिए जा रहे हैं, अब ये है नहीं है पक्का, हम आपको मानेंगे। देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास देखिए ताड़बन से आए हैं कारपोरेटर, कौन आते हैं कारपोरेटर, MLA कौन आते हैं, वोट डाल देना बहादुरपुरा आता जी, हाँ बहादुरपुरा। तो ये देख सकते हैं आप बताइए आपके लिए आप सेल उतार रहे हैं, क्या करते हैं आप? ब्यूटी पार्लर के लिए, आप ले सकते हैं, पक्का है हमारा बजट जो है 2000 करोड़ है। आप हमारे KCR साहब को वोट डाल रहे हैं, हमारे CM साहब ये बोलते हैं कि मैं जो आया मैं दूंगा बोल के, लेकिन हमारे 2000 करोड़ में सिर्फ हमको 50 करोड़ दिया जा रहा है, तो हम डिमांड करें कम से कम 500 करोड़ दीजिए। हमारे हेल्पर एस अवेशी साहब असेंबली में बताते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो करते हैं, लेकिन आप ये देखिए आप हमारे तो हम हमारे अकबर उद्दीन अवेशी साहब से भी अपील कर रहे हैं हमारे चैनल के जरिए, आप भी अपील करिए कि अकबर साहब हमारे को जो है कम से कम जितने अप्लीकेशन आ रहे हैं 33 डिस्ट्रिक्ट में पूरे लोगों को हमारा जो है लोन देना, क्योंकि 2021 में हम कोविड से परेशान रहे सब लोग, इसलिए माइनॉरिटी स्कूल में भी डाल दिया है। देख सकते हैं आप लोग जो है माइनॉरिटी स्कूल में जो डाल के डाले, बहादुरपुरा बॉयज़ वन में डाले इनको, हम लोग हमारे 2 बच्चे हैं बहादुरपुरा, ये इस वजह से हम लोन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा टेलरिंग कर लेंगे, बच्चों का अरेंजमेंट कर लेंगे, इस वजह से हम आपको लोन होना है। आपके पास पूरे पेपर सर्टिफिकेट तैयार है, क्या है आपका, आप पे के लिए डाल रहे हैं ये
अभी आपको ये इनकम सर्टिफिकेट को क्या चार्जेस हो रहे हैं बता रहे? 55 रुपीज ओनली मिल सेवा में देना जी। ठीक है सर्टिफिकेट जल्दी दो हमारे को, हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। हम आपको यहाँ से लेट 6 दिन में देते, 4 दिन में देते, कैसा करना? ऑनलाइन फिर ऑनलाइन डन हो जाता है। लोन का लोन माइनॉरिटी लोन మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మాకు ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు, తొందరగా ఇష్యూ చేయండి అని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మాక్సిమం పాసిబుల్ టైప్ అవుతారు. ఓకే, వి డిడ్ హావ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఇట్ ఇస్ అ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. Every work is important for us, not only income certificate. We are also facing an obstacle of very low staff. Even Tahsildar is also on leave. Okay? You will not get the loan, sir. You will give after 7 days, then you will not get the loan. You see, you come and yes, come here and see. No, sir. Come here and see. आप देखिए आगे आके देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए आप बहुत सामने हो मैडम। 7 days दाटने ओनली 16 उन्हें మిగతా అన్ని విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ పీరియడ్ లోనే ఉన్నాయి. 3000 అప్లికేషన్ సార్ విత్ ఇన్ ఎస్ఎల్ఏ పీరియడ్. ये कुछ खवातीन हैं जो माइनॉरिटी के लोन के लिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आए हैं। अकॉर्डिंग टू द डिप्टी तहसीलदार साहब के MRO ऑफिस और माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट की तरफ से या कलेक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑलरेडी हम जो है माइनॉरिटी चेयरमैन को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव में ये बोल चुके हैं कि आप कलेक्टर साहब को इंस्ट्रक्शन दीजिए, MRS को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि आप 1 वीक का जो टाइम लगाए हैं, ये हम आपसे इसीलिए पर्सनली बात करने आए थे। जो है प्रोसेस ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, इनकम सर्टिफिकेट को 15 डेज टाइम लिमिट लिखी गई है, 7 डेज है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर इनकम सर्टिफिकेट लोन एबिलिटी ये पेपर है। इन बिटवीन दीस 2 डेज ओनली वी रिसीव्ड मोर देन 2500 एप्लीकेशंस। यू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन? यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। मोर देन 2500 एप्लीकेशंस वी रिसीव्ड। यू आल्सो अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। मैक्सिमम पॉसिबल टाइम नो అవాయిడ్ దిస్ సిచ్యువేషన్, దిస్ టైం విల్ బి ఓవర్ సార్. అరే మీరు అర్థం చేసుకోవాలమ్మా, మీరు చెప్పేది కూడా వినాలి, మీరే మాట్లాడొద్దు. ఉన్న స్టాఫ్ కూడా చాలా తక్కువ, ఉన్న ఇద్దరు స్పెషల్ ఆర్యలే ఉన్నారు, స్టాఫ్ కూడా ఎక్కువ లేదు. కావాలని మేము ఆపాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఇట్స్ రెగ్యులర్ ప్రాసెస్, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అవడం అనేది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్. వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవర్ మాక్సిమం టైం. మీరు అండర్స్టాండ్ అవర్ సిచ్యువేషన్ ఆల్సో. నువ్వు చూడు అఫీషియల్ గా నువ్వే ఉన్నాయి బియాండ్ ఎస్ఎల్ఏ. మేము చూసుకునేది ఇదే చూసుకుంటాం, ఏదైనా స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. స్పెషల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమీ లేవు సార్. మై క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూ రిసీవ్ 2500 అప్లికేషన్ ఇన్ 2 డేస్, హౌ కెన్ యూ ప్రాసెస్ దిస్ ఆల్ అప్లికేషన్, హౌ కెన్ యూ ఫినిష్ దిస్? దట్ ఓన్లీ వి ఆర్ అదే మా ప్రాబ్లమ్ ఉంది. మేము ఇప్పుడు అదే షాక్ అయ్యింది, విత్ ఇన్ 1 అవర్ విత్ ఇన్ 1 అవర్ 300 అప్లికేషన్స్ వచ్చింది. ఒక గంటలో 300 అప్లికేషన్లు అంటే అర్థం చేసుకోండి, ఒక రోజు ఎన్ని వస్తాయి? You report this to the your higher officers. Yeah, I should report this one. RDO and collector को आप जो है report दियो sir. That is just started since yesterday only. ये सिचुएशन टुडे का है सर, अभी आपको आपको फर्दर जो है और प्रेशर बढ़ेगा। यस, एक अनदर क्वेश्चन सर, आप जो है बहादुरपुरा मंडल अभी मैडम कब तक नहीं है अवेलेबल? मैडम इज ऑन ऑफिशियल लीव ओनली. हु इज द रिप्लेसमेंट ऑफ मैडम इन चार्ज? टुडे ओनली इन चार्ज तहसीलदार इज अपॉइंटेड, गोलकोंडा तहसीलदार सर. गोलकोंडा यहाँ से बहादुरपुर से बहुत लॉन्ग होता, आप बल्लागुड़ा ने तो चार मिनट लेना था सर, नियरेस्ट है आपको MRO. अरे मेरे चप्पल से अगर
हायर ऑफिसर से नहीं जा पाए ना नो करेक्ट है सर आप आज के इशू पे जो है रिक्वेस्ट डाली आप उसमें आप नहीं बोल सकते ये लोन का है ना सर उसकी डेट भी कम है फिर यहाँ से हम अपनी यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हम जल्दी कर सकते हैं यहाँ से इनकम जल्दी सर प्लीज फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम आई एम सो मेनी बेस्ट है ना डेमी रो ओके मेमो ओके रिप्रेजेंटेशन दिस के लिए फर्स्ट कलेक्टर में कलवाल आप 5,000 एप्लीकेशन 5,000 लोगों को देने की बात की गई है चेयरमैन साहब की तरफ से हम यहाँ मंडल बहादुरपुरा मंडल में है सिर्फ एक मंडल में 2 दिन के अंदर 2,500 एप्लीकेशन आ चुके हैं तो कैसा चेयरमैन साहब ये मस्त ये जो है 5,000 लोगों को बांटेंगे अब ये 2,500 का ये इनके पास स्टाफ का लैक ऑफ स्टाफ है बहादुरपुरे में शुरू से आज चार जब से मैडम चार्ज लिए हैं उसके बाद से यहाँ पे स्टाफ कम है हर स्टाफ के पास 1,000 एप्लीकेशन 500 एप्लीकेशन का ओवर लोड है कल हमारे रशीद साहब सामने डेरे में हैं कल तकरीबन कितने रात तक देर तक इशू करे रशीद साहब रात में बैठ के ये इशू करे हैं पूरा स्टाफ भी परेशान है कि हम कैसा ओवरलोड करेंगे इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये देखिए आप ये बंडल्स यहाँ पे पूरे रखे हुए हैं ये दो हाथ से कितने एप्लीकेशन सप्लाई किए जाएंगे एक सिस्टम है सिर्फ एक सिस्टम पे अपलोड होना इसके लिए सीरियस इशू गवर्नमेंट लेना चाहिए ये मजाक है माइनॉरिटीज़ के साथ जितने माइनॉरिटीज इसके अंदर तबके दिए गए हैं पूरे 5,000 एप्लीकेशन मंगे रहे तो इसके लिए आपका क्या डिमांड हो सकता डिमांड यही है टाइम बढ़ाने के लिए टाइम बढ़ाने का है बस माइनॉरिटी के लिए टाइम बढ़ाना है क्यों बोले तो हमारे इनकम सर्टिफिकेट नहीं आ रहा फिर वहाँ पर गए तक हम लोगों का टाइम ही खत्म हो जाता फिर इतनी मेहनत करे तो डन हो गई हम लोग की हम लोगों को मेन इम्पोर्टेंट थिंग लोन होने का है तो आप डेट बढ़ाइए सर लॉकडाउन की वजह से हम इतने परेशान हैं फिर इसके बाद में देखे तो हमको मिलना नहीं पेमेंट लोन मिलना हम आपको सर ओके थैंक यू सर आगे ना दे दो हो गया ये हो गया।